हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज चलते हैं एक रोमांचक सफ़र पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में और देखते हैं कि क्या हुआ जब वो पल आया जिसका हमें इंतज़ार था। यह जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स एंड व्यूज़ देना ना भूलें। जंगल सफारी के लिए हमने एक ओपन जीप को हायर किया और ओपन ड्राइव का मज़ा लेते हुए चल पड़े नेशनल पार्क की तरफ। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि जयपुर से 130 किलोमीटर दूर है। पुराने ज़माने में ये जयपुर के राजा महाराजों का फेवरेट हंटिंग स्पॉट हुआ करता था, लेकिन 1970 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद यहाँ पर हंटिंग निषेध कर दी गई। 1980 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। इंडिया में टोटल 50 नेशनल पार्क्स हैं। यह पार्क 10 सफारी जोन्स में बंटा हुआ है। यहाँ पर स्मोकिंग और फीडिंग एनिमल्स बिल्कुल मना है और जंगल में शोर करना और गाड़ी से उतरना तो खतरे से खाली नहीं है। हमारी जोन नंबर 2 थी और हमारा एक ही मकसद था, टाइगर दर्शन। सुना है टाइगर बहुत ही सुंदर जानवर होता है और एक बार देखो तो उस पर से नज़र ही नहीं हटती। टाइगर देखने के लिए मन बहुत उत्सुक था, परंतु यह इतना आसान नहीं था। कहीं पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। हम बढ़ते गए आगे पगडंडी पर। जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे थे, आम का पेड़, कई सौ साल पुराना बरगद का पेड़। हम आगे बढ़ते गए चारों तरफ निगाह रखते हुए, कभी कहीं किसी झाड़ी के पीछे शायद नजर आ जाए। पेड़ों के बीच में से छनती सूरज की किरणें एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। तभी हमें नजर आया स्पॉटेड डियर यानी चीतल, जो अपने परिवार के साथ जंगल में आराम कर रहा था। इनमें मेल डियर्स की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और उनके हॉर्न्स होते हैं, जिसके कारण वे दूसरे डियर्स पर डोमिनेट करते हैं। जंगल में डियर की एक्टिविटी से खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यदि आसपास शेर होता है तो वे फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन हमें इनकी सामान्य गतिविधि देखकर आसपास शेर होने का संकेत नहीं मिला, तो हमने अपनी गाड़ी दूसरी डायरेक्शन में मोड़ ली। फिर हमें दिखाई दिया सांबर डियर, जो लगातार हमें देख रहा था, मानो फोटोग्राफी के लिए पोज कर रहा हो। फिर दिखाई दिया हमें हमारा राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक, जो बहुत ही सुंदर था और उसका सुंदर ब्लू कलर देखते ही बनता था। टाइगर की पू अगर फ्रेश है तो वो टाइगर का आसपास होने का संकेत देती है। और नदी किनारे तो टाइगर दिन में पानी पीने एक बार ज़रूर आते हैं। डियर को देख के लग रहा था जैसे उसे कोई आसपास खतरा होने का आभास हो रहा है। आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हमने भी आस नहीं छोड़ी और अपनी गाड़ी दूसरी तरफ घुमा ली। बेबी क्रोकोडाइल आराम से सुस्ता रहे थे। ये रेंडियर कुछ चौकन्ना सा प्रतीत हो रहा था। और तभी हमें दिखाई दिए टाइगर के पग चिन्ह, जिससे ये पक्का विश्वास हो गया कि अगर टाइगर इस रास्ते से गुजरा है तो आसपास ही होगा। पक्षी फॉलो करते करते हम आगे पगडंडी पर बढ़े, पढ़ते ही जा रहे थे और हमें वही नज़र आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। इतना सुंदर हमारे सामने कि विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह नूरी नाम की टाइग्रेस थी, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी और हम उसे निहार रहे थे। वह आगे बढ़ती गई और हम पीछे होते गए। जहाँ उसे देखने की खुशी थी, वहाँ मन में डर भी था, परंतु ना तो हम खुशी से चिल्ला सकते थे और ना ही डर से, क्योंकि शोर मचाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। टाइगर स्वभाव से आलसी होता है, वह ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता।
हमारी यह कोशिश थी कि शायद ये चलते चलते थक जाएगा और सड़क पे ही बैठ जाएगा। परंतु यह साइड की झाड़ियों में अंदर चला गया और पेड़ पर टॉयलेट करके अपनी टेरिटरी मार्क कर दी, यह बताने के लिए कि यहाँ तक उसका इलाका है और कोई दूसरा चीता यहाँ नहीं आ सकता। फिर उसने एक सुंदर रंगड़ाई ली। यह प्राकृतिक व्यवहार अत्यंत लुभावना प्रतीत हुआ। टेरिटरी मार्क करने के बाद वह फिर से बाहर आ गया। तभी पीछे से एक दूसरी जीप आ गई जिसका उसको आभास हो गया था। यह सीन देखने लायक था, बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह। आगे भी गाड़ी और पीछे भी गाड़ी और बीच में टाइगर। अब टाइगर क्या करे? टाइगर ने पीछे मुड़कर देखा और बराबर की झाड़ियों में से निकल के कहीं ओझल हो गया। वहाँ जंगल में बसे जीव जंतुओं की भी एक अलग दुनिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा, एक घने जंगल में शिकारी होने का अनुभव। टाइगर की गजब एंट्री और उसकी मटकती हुई चाल और उसकी सुंदरता हमेशा याद रहेगी।